दोस्तों, मेरा नाम मनप्रीत जस्सल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मनप्रीत जस्सल में। आज दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बर्फ़ी सूखे दूध से। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जानते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सूखा दूध, घी और इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची के दाने भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए चीनी और पानी, आधा कटोरी पानी, आधा कटोरी चीनी और 2 से 3 चम्मच घी और 1 कटोरी सूखा दूध। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले फ्लेम ऑन करें और उसमें डालें आधा कटोरी पानी। और उसमें डालेंगे हम आधा कटोरी शक्कर, चीनी चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं। जब तक चीनी मेल्ट होती है तब तक हम वेट करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। इसे भी हलाएंगे। घी डालने के बाद हम फ्लेम मीडियम साइज पर कर देंगे। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमारा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप ध्यान रखिए कि इसमें गांठ ना पड़े। हमने इसमें शक्कर कम ही रखी है क्योंकि ये मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। आपको इसे हिलाते रहना है ताकि ये जमा जाए और मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। गाढ़ा ना हो जाए, स्मूथली इसका डो ना बन जाए। दो तीन मिनट के बाद हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची के दाने भी ऐड कर सकते हैं। और इसे हिलाते रहिए। अगर आपका मिल्क पाउडर ज़्यादा ड्राई होता है तो आप इसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, 10 मिनट तक हिलाने तक आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे ताकि नीचे ना लगे। और फिर मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। देख सकते हैं कि हमारा बैटर रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल। पकने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमने प्लेट में निकाला है। पहले आप प्लेट को ग्रीस कर लें घी से और फिर उसके बाद निकालें। निकालने के बाद आप इसे ठंडा होने दें और धो 3 घंटे के लिए, मिनिमम 2 घंटे के लिए आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। और उसके बाद इसकी कटिंग करें जैसे भी आप चाहें। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप अपनी चॉइस के पीस काट सकते हैं, बड़े और छोटे, या पर डिपेंड है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको हमारी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।